जो 5.6 है, 5.6 में हम करेंगे फलों के प्राचलिक रूपों में अपकलच, फलों के प्राचलिक रूपों में बात नहीं अपकलच, ठीक है ना, फलों के प्राचलिक रूपों में अपकलच डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म्स, ठीक ना। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या कहते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक ना, प्राचल क्या कहते हैं इसको हिंदी में, कहते हैं प्राचाल, प्राचल पैरामीटर, ठीक ना। देखो प्राचल क्या होते हैं, जैसे दो फंक्शन है, जैसे दो फंक्शन है, एक एक्स का फंक्शन है और एक वाई का फंक्शन है, एक एक्स का फंक्शन और एक वाई का फंक्शन है, लेकिन ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ संबंध में नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ ये डायरेक्टली रिलेशन में नहीं है, ये किसी ना किसी अदर एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रिलेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर रिलेशन में समझो, जैसे जैसे राम है, मान लो एक पर्सन है राम, ठीक, उसके जीजा, ठीक, जीजा के जीजा, ठीक, बाद नहीं, देख एक रिलेशन देख, अरे देख ये तो देख, मजाक नहीं, ठीक, जैसे राम के जीजा और उनके जीजा के जीजा, देख राम और इनमें एक रिलेशन होगा, उनके जीजा में एक रिलेशन होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों का है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इन दोनों का रिलेशन किससे बनना है, इनसे बनना है, जीजा से बनना है, अरे बस समझना, सेम यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं जिनका डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है, किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका रिलेशन होता है, जैसे एफएक्स एक फंक्शन है, मान लो टी का, किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, और वाई भी किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो एक्स और वाई एक दूसरे के साथ रिलेट तो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन तो है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में रिलेशन है, टी के रिस्पेक्ट में रिलेशन है, अरे बस समझे, तो उस कंडीशन में ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक ना, प्राचलिक फलन कहते हैं, अरे वो समझे, मतलब ऐसा दो फलन या ऐसे दो फंक्शन जिसमें डायरेक्टली रिलेशन ना हो, किसी वो अदर एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में रिलेट करे, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ एफ एक्स है मान लो टी स्क्वायर प्लस वन, और एफ वाई फंक्शन है मान लो टी क्यू प्लस टी प्लस फाइव, ठीक है, तो यहां पे देखो एफ एक्स टी का फंक्शन है, वाई भी किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो इन दोनों में एक इनडायरेक्ट रिलेशन होगा एफ एक्स एंड एफ वाई में, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो एफ वाई फंक्शन है, इस एफ वाई फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, एफ वाई का किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, अरे बस समझे, तो एफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे, पहले y t का फंक्शन है, इसलिए y को क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो y है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो सबसे पहले y का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस फंक्शन fx भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो fx को भी क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो fx अपॉन ft, और dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, dx अपॉन dt, देखो यहाँ पे देख सकते हो t से t का जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy अपॉन dx, तो dx अपॉन सॉरी dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, अगर हमें dx अपॉन dy निकालना है, क्या निकालना है, dx अपॉन dy निकालना है, तो क्या जाएगा, dx बाय dt अपॉन dy अपॉन dt, क्लियर है, क्लियर है, ठीक ना, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म में
डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, प्राचलिक रूपों में ऑफ कॉलेज। क्लियर है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना इन दोनों को, ठीक है ना, बाकी चैप्टर्स में आते हैं। हो गया, देखो पहला क्वेश्चन है 5.6 का क्वेश्चन दे रखा है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, प्राचलों का विलोपन किए बिना, विलोपन का मतलब क्या कि उसको हटाए बिना, जैसे हम कहते हैं ना कि x t को पूरे इक्वेशन से नेगलेक्ट कर देंगे, ऐसा किए बिना dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इज गोस टू 2at स्क्वायर एंड y इज गोस टू 80 की पावर 4। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू 2, ये तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या जाएगा 2t, तो क्या जाएगा 4at, और y बराबर क्या है 8t की पावर 4, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x सॉरी t, तो जो dy अपॉन dt भोपाल बात है नहीं a 4t की पावर 3, तो 4at 3, तो हमें क्या निकालना, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या जाएगा dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt, dy अपॉन dt 4at की पावर 3 बटे 4at, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, 1t से 1t को कैंसिल करेंगे क्या बचेगा t स्क्वायर बचेगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ठीक। देखो इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू दे रखा है b cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे x थीटा का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, तो x को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिसका फंक्शन दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे टी के फंक्शन दे रखा है तो टी के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पे थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू जगह डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, तो माइनस ए साइन थीटा, सेम वाई इज इक्वल टू क्या है बी कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वी साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएट क्या जाएगा साइन, तो वी साइन थीटा, तो ये जगह डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये जाएगा माइनस का बी साइन थीटा बटे माइनस का ए साइन थीटा, साइन थीटा से तो साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या जाएगा बी बाय ए, तुम्हारा हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी बाय ए, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्स इज इक्वल टू साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी, वाई इज इक्वल टू कॉस 2t, तो क्या जाएगा यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या जाएगा cos t, एंड y इज इक्वल टू cos 2t है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या जाएगा dy अपॉन dt cos 2t का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस का साइन 2t, ठीक है ना, माइनस का 2 साइन 2t,
ठीक है, तो dy अपॉन dx आ जाएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, तो माइनस का 2 साइन 2t बाय cos t, तो जब माइनस का 4 साइन t cos t बाय cos t, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन थीटा टू cos थीटा, और 2 यहाँ पे 2 2 जगह जगह 4, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 4 साइन t, ये जगह आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, x इज इक्वल टू 4t, ठीक है ना, और y इज इक्वल टू 4 बाय t, अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, डायरेक्ट करूँ, तो देखो क्या होगा, dx अपॉन dt क्या जाएगा इसका, dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 4, इसका dy अपॉन dt हो जाएगा माइनस 4 बाय टी स्क्वायर, क्यों, 1 बाय टी का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, अरे बस समझे, याद रखना, बार बार बताना ना पड़े, 1 बाय टी का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो माइनस 4 बाय टी स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचे, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, अच्छा y इज इक्वल टू है हमारा sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, देखो x किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करो, तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और ये जगह माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे 2 आएगा, क्लियर है, अच्छा यहाँ पे फिर y के बाई का भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन d थीटा साइन का हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू 2 इंटू 2, तो क्या जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन d थीटा बटे dx अपॉन d थीटा, तो dy अपॉन d थीटा ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, 2 cos थीटा बटे ये जो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, चाहो तो यहाँ तक आंसर इसको छोड़ दो, यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा यहाँ तक आंसर दे रखा है, चेक कर लेना फिर बता देना मुझे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस cos 2 थीटा, थीटा माइनस cos, सॉरी थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस यहीं तक दे रखा ना, सही है, बाईज इक्वल्स टू ए, बाईज इक्वल्स टू ए वन प्लस cos थीटा, ए वन प्लस cos थीटा, देखो यहाँ पे x किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू ए, तो कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएट कितना जाएगा 1, साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा क्या cos थीटा, फिर y इज इक्वल टू फंक्शन है a1 प्लस cos थीटा, तो जब dy अपॉन d थीटा क्या हो जाएगा, dy अपॉन d थीटा, a 1 का जगह 0, cos का जगह माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या जाएगा, dy अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी, देखो डी वाई अपॉन डी टी क्या है, माइनस का ए साइन थीटा बटे ये है हमारे पास ए वन माइनस कॉस थीटा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा, चाहो तो यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो, या चाहो तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हैं, आंसर क्या आएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे हाफ फॉर्मूला यूज करेंगे, तो माइनस टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, साइन टू थीटा का हाफ फॉर्मूला यूज किया हमने, ठीक है ना,
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ये किसका फॉर्मूला जाएगा? कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला जाएगा। अगर तुम्हें याद है कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला क्या था, कॉस टू थीटा इज टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन को दे लिया होगे जिसको दे, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो वन माइनस कॉस टू थीटा इज टू क्या जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो वन माइनस कॉस थीटा इज टू क्या जाएगा हाफ थीटा में आ जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई टू बटे साइन थीटा बाय टू इज टू माइनस का कॉट थीटा बाय टू। क्लियर है? नोट करो। है? नोट करते जाओ, समझते जाओ, नोट करते जाओ।